दसवीं विज्ञान विषय में अध्याय तीन धातु अधातु का दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। अभी आपने देखा कि धातुओं की अम्लों से क्रिया किस प्रकार होती है, धातुओं की पानी से क्रिया होती है। अब हम देखेंगे धातु और अधातु आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना होगा, परमाणु संरचना को समझना होगा, जो कक्षा नाइन्थ में आपने पढ़ा है कि हम देखते हैं कि सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। बहुत सारे उदाहरण हैं, तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर ध्यान देते हैं। हम देखते हैं कि इनका जो परमाणु संरचना है, परमाणु गोल होता है और उसमें किसी भी परमाणु में तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये केंद्रक है, ये क्लोरीन का देखिए, इसमें परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इस नाभिक के अंदर रहती है। और इस प्रकार परमाणु संख्या इसकी, जैसे सोडियम में देखिए परमाणु द्रव्यमान 23 है, परमाणु संख्या 11 है। परमाणु संख्या का अर्थ है प्रोटॉन की संख्या। तो जो परमाणु उदासीन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण, प्रोटॉन धन आवेशित कण, दोनों बराबर हों तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन। यहाँ नाभिक में न्यूट्रॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन मतलब 12 और प्रोटॉन 11, इस प्रकार ये मिलकर क्या हो जाएंगे, 23। तो हम देखते हैं कि ये नाभिक है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23। इसी प्रकार क्लोरीन में भी देखते हैं परमाणु द्रव्यमान 35, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन इसमें 17 है, प्रोटॉन भी 17 है। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहला कक्ष K, दूसरा L, तीसरा M। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार आप क्लोरीन अधातु के बारे में देखिए, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 17 हैं, तो पहले कक्ष में 2 होंगे K, दूसरे में 8, तीसरे में 7। ये पहला कक्ष K, दूसरा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे L कक्ष, तीसरा ये M कक्ष, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो प्रत्येक तत्व चाहता है कि हमारा बाहरी कक्ष यानी संयोजी कक्ष है ये वाला, ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ये भी चाहता है 8 हो जाएं और ये भी चाहता है 8 हो जाएं। तो यहाँ क्या करते हैं कि जो धातुएं हैं अधिकतर इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो ये धन आयन बनाते हैं, और अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं तो ये ऋण आयन बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये चाहता है 8 हो जाएं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको प्राप्त हो नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग देगा तो इसका बाहरी कक्ष, ये संयोजी कक्ष, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इस प्रकार धातु अधातु में एक महत्वपूर्ण यौगिक है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि सोडियम धातु है और क्लोराइड अधातु है। तो ये धातु सोडियम और ये अधातु क्लोरीन, तो इसका परमाणु संरचना को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1, तो इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और सोडियम धन आयन बनता है। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ 2 8 1 था पूर्व में, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8, और इसके ऊपर ये धन आयन आ गया क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। अब यहाँ देखते हैं क्लोरीन 2 8 7, इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब ये क्लोराइड आयन बन गया। अभी ये परमाणु था, अब ये क्या बन गया, आयन।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2 8 8, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसके ऊपर धन आयन, इसके ऊपर ऋण आयन। तो एक धन आयन और ये ऋण आयन आपस में आकर्षित होकर यौगिक बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। आप पुनः समझेंगे, ये देखिए बाहरी कक्ष का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 4 5, आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब क्रिया होने के पश्चात आप देखिए सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन बनेगा, और ये आपस में धन आयन और ऋण आयन जुड़कर एक यौगिक बनाएंगे, आयनिक यौगिक, और यहाँ पर इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक प्रबल आयनिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से यौगिक होते हैं जिनमें इस प्रकार के आयनिक बंध पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण किया। तो तत्व संयोजी कक्ष, संयोजी कक्ष मतलब सबसे बाहरी कक्ष को पूरा करने के लिए, पूरा मतलब अष्टक, वो 8 पूरा करना चाहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। तो हमेशा धातुएं इलेक्ट्रॉन देते हैं, त्याग कर धन आयन बनाएंगे, और अधातु ऋण आयन बनाते हैं, और इस प्रकार इनके आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। अब ये जो यौगिक बनते हैं, अब इनके हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं अधिकतर ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ गलना आरंभ करे, वह गलनांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करे वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो ये गलनांक और क्वथनांक एक प्रकार के ताप हैं। तो आयनिक यौगिकों के ये उच्च होते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए हमें विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इनका तीसरा गुण है घुलनशीलता, मतलब किसी भी विलायक में ये किस प्रकार घुलते हैं। अधिकतर आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं, क्योंकि विलयन अवस्था में इनके आयन बन जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन, और ठोस अवस्था में इनके आयन नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार ये पेट्रोल और मिट्टी के तेल में नहीं घुलते हैं। विद्युत चालकता, जलीय अवस्था में मतलब पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा इनमें प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि इनमें आयन बन जाते हैं, और ठोस अवस्था में ये विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं होते। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आयन का गतिशील होना बहुत जरूरी है। थैंक यू।